हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ लौकी के पकोड़े। नॉर्मली लौकी बच्चों को पसंद नहीं होती, कभी कभी बड़ों को भी पसंद नहीं होती है, तो आप लौकी के पकोड़े बनाकर उनको खिलाएं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इन पकोड़ों को आप सुबह शाम नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरे लौकी के पकोड़ों की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। लौकी के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक लौकी। मैंने यहाँ पर ये एक लौकी ली है। अगर आप वेट के हिसाब से देखेंगे तो ये 500 ग्राम लौकी है। एक लौकी में आप दो से तीन लोगों को पकौड़े बना के खिला सकते हैं। एक प्याज, मैंने यहाँ पर ये मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को मैं यहाँ पर लौकी के साथ ग्रेट करूँगी। आप चाहें तो बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। एक कप बेसन, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार, 2 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और 250 ml तेल। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लौकी को छील कर उसको ग्रेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लौकी को पिलर की सहायता से छील लिया है। अब हम इसको कद्दूकस करते हैं। तो एक बाउल लेंगे और लौकी के हम छोटे छोटे पीस करके उसको हम कद्दूकस करेंगे। लौकी के पकौड़े आप जब भी बनाएं तो उसको आप पहले से कद्दूकस करके ना रखें। उसको आप जब पकौड़े बनाएं तो तुरंत कद्दूकस करें। अगर आप लौकी को पहले से कद्दूकस करके रख देंगे तो लौकी आपकी काली पड़ जाएगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी पकौड़े बनाएं तो लौकी को आप तुरंत ग्रेट करें। लौकी को मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। अब हमें प्याज को भी छील कर ग्रेट करना है, तो हम प्याज को छील कर ग्रेट कर लेते हैं। प्याज को मैंने छील लिया है तो अब हम प्याज को भी ग्रेट कर लेते हैं। लौकी और प्याज में पानी होता है, तो अब हम इनका पानी निकाल लेते हैं। तो हम ग्रेट की हुई लौकी और प्याज को हाथों में लेंगे और दोनों गद्दियों की सहायता से हम इसका पानी निकालेंगे। ये देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि कितना सारा पानी निकला है। अगर आप इस पानी को नहीं निकालेंगे और ऐसे ही अगर आप पकौड़े बनाएंगे तो आपका मिक्सचर लूज़ हो जाएगा, और अगर आप उसको जब तेल में डालेंगे तो उसमें तेल भर जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इसमें से आप पानी ज़रूर निकालें। मैंने जो पानी निकाला था लौकी और प्याज में से, उसको मैंने फेंक दिया है। अब हम उसी बाउल में मिक्सचर तैयार करेंगे। तो हम लौकी को डालेंगे, बेसन डालेंगे, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक, जीरा, हींग, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कॉर्नफ्लोर, कटा हुआ हरा धनिया। अब हम सफ़ेद नमक डालेंगे। तो नमक आप ध्यान रखे डालें, क्योंकि हमने काला नमक भी डाला था। मैं यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डालकर हम हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप जब भी मिक्सचर बनाएं तो इसमें आप पानी ना डालें, क्योंकि यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लौकी में इतना मॉइस्चर होता है कि यहाँ पर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, और यहाँ पर ये अच्छा पेस्ट तैयार हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पकौड़ों के लिए पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। पकौड़ों के लिए पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, तो अब हम तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पर पैन में 250 ml तेल लिया है। तेल को हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। तेल हमारा गर्म हुआ कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लिया है, उसको तेल के अंदर डालूंगी। ये देखिए, अब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम गैस को मीडियम कर देंगे, क्योंकि हम पकौड़े मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, इसलिए मैं गैस को मीडियम कर रही हूँ। अब हम हाथों की सहायता से मिक्सचर को तेल के अंदर डालेंगे। ये देखिए, आप इस तरीके से हम मिक्सचर को हाथों में लेंगे और उसको हम तेल के अंदर डालेंगे। मैंने यहाँ पर ये थोड़े से पकौड़े तेल के अंदर डाल लिए हैं। अब हम इनको तेल के अंदर कुछ सेकंड तक इसी तरीके से छोड़ देंगे। फिर हम इनको करछी की सहायता से पलटेंगे, और हम करछी की सहायता से इनको इस तरीके से चलाते रहेंगे, जिससे कि पकौड़े हमारे चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। इन पकौड़ों को हमें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि पकौड़ों का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इन पकौड़ों को पैन से बाहर निकालते हैं। मैंने यहाँ पर प्लेट में टिश्यू पेपर लिया है। टिश्यू पेपर पे हम इन पकौड़ों को निकालेंगे, जिससे कि इनके अंदर जो एक्सेस ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर पे आ जाएगा।
और इसी तरीके से हम बाकी पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि पकौड़े हमारे देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये लौकी के पकौड़े खाने में स्वादिष्ट होते हैं। बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो आप उनको ये पकौड़े बनाकर खिलाएं, उनको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरे ये लौकी के पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।